अमेरिका नहीं चाहता कि चीन के पीस फॉर्मूले को कोई यहां पर सीरियसली कंसीडर करे, लेकिन यूक्रेन चाहता है। जिनपिंग के रूस दौरे पर यूक्रेन का बड़ा बयान आ गया है। आपके सामने एक बड़ी खबर, जिनपिंग अभी पहुंचे ही हैं, तभी यूक्रेन ने रिएक्ट कर दिया है। जिनपिंग के रूस दौरे पर हमारी नजर है, ये यूक्रेन कह रहा है। और इससे बड़ी खबर है, इससे बड़ी बात कही है यूक्रेन ने, जंग खत्म करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें शी, ये कहा है यूक्रेन ने। यानी यूक्रेन ये चाहता है कि शी जिनपिंग एक यहां पर पीस फॉर्मूला लेकर आए, और कहीं ना कहीं उसको भी शी जिनपिंग के इस दौरे से शांति की, सीज फायर की उम्मीद है। मैं दीपक वोरा जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं प्रोफेसर मैक्सिम को इसमें शामिल करना चाहता हूं। प्रोफेसर मैक्सिम, बहुत कम होता है जहां पर रूस और यूक्रेन कहीं किसी एक जगह सेम पेज पर दिखाई दें, और ऐसा लगता है कि जिनपिंग के इस दौरे पर दोनों सेम पेज पर हैं। क्या दोनों चाहते हैं कि वॉर खत्म हो, लेकिन उनको कोई यहां पर फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रीजन नहीं मिल पा रहा है, और ये शी जिनपिंग का दौरा ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है इसका। और मुझे लगता है कि सबसे पहले शांति वार्तों के लिए दोनों की तरफ से कंडीशंस आ रहे हैं, और ये कंडीशंस वो सब कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो इसलिए कोई मीडिएटर बिना कोई फैसला लेना बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हमारे कोई थर्ड पार्टी से इस्तेमाल कर रहे हैं ये शांति वार्ता करवाने के लिए। तो इसीलिए शी जिनपिंग आ रहे हैं, और इसीलिए पुतिन जी और लवरोव जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हमेशा मैं दूसरा सवाल लेकर आता हूं। आपको लगता है कि क्या वाकई शी जिनपिंग अमेरिका के इतने कड़े विरोध के बावजूद यूक्रेन और रूस में शांति करा पाएंगे या सीज फायर भी करा पाएंगे? लेकिन देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि कोई गारंटी नहीं है इस करने के लिए। तो मैंने कहा पहले कि हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। और मैं तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले शांति वार्ता की इंतजार कर रहे हैं, और शांति वार्ता करवाने के लिए तो दोनों तरीके से कंडीशन है। तो इसलिए हमारे एक थर्ड पार्टी से इस्तेमाल कर रहे हैं। कि मतलब कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शांति वार्ता हो जाती है तो यह बहुत अच्छी चीज है, आप यही कह रहे हैं? जी, बिल्कुल। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।